हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, हमारे हमारे चैनल चैनल डिवाइन डिवाइन संसार संसार में में आपका आपका एक एक बार बार फिर फिर से से स्वागत स्वागत है। है। दोस्तों, दोस्तों, आज आज की की वीडियो वीडियो में में हम हम आपको आपको बताएंगे बताएंगे कि कि रात रात के के समय समय शमशान शमशान घाट घाट के के पास पास से से क्यों क्यों नहीं नहीं गुजरना गुजरना चाहिए। चाहिए। वीडियो वीडियो को को शुरू शुरू करने करने से से पहले पहले आपसे आपसे एक एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है। है। अगर अगर अभी अभी तक तक आपने आपने हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं नहीं किया किया है, है, तो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लीजिए। लीजिए। दोस्तों, दोस्तों, शमशान शमशान घाट घाट का का जिक्र जिक्र होते होते ही ही हमारे हमारे मन मन में में एक एक अजीब अजीब तरह तरह का का भय भय व्याप्त व्याप्त हो हो जाता जाता है। है। इस इस जगह जगह के के बारे बारे में में हमने हमने अपने अपने बड़ों बड़ों के के मुंह मुंह से से कई कई बार बार ये ये कहते कहते सुना सुना होगा होगा कि कि रात रात को को शमशान शमशान घाट घाट के के पास पास से से नहीं नहीं गुजरना गुजरना चाहिए, चाहिए, ये ये खतरनाक खतरनाक हो हो सकता सकता है। है। ऐसे ऐसे में में दोस्तों, दोस्तों, आपके आपके मन मन में में भी भी कभी कभी ना ना कभी कभी ये ये सवाल सवाल उठता उठता होगा होगा कि कि रात रात को को शमशान शमशान घाट घाट जाने जाने से से क्यों क्यों मना मना किया किया जाता जाता है? है? क्या क्या इसके इसके पीछे पीछे कोई कोई गहरा गहरा रहस्य रहस्य छिपा छिपा है? है? अगर अगर हाँ, हाँ, तो तो क्या क्या है है वे वे रहस्य? रहस्य? जानेंगे जानेंगे आज आज की की इस इस वीडियो वीडियो में। में। दोस्तों, दोस्तों, हिंदू हिंदू धर्म धर्म में में शमशान शमशान घाट घाट वह वह जगह जगह होती होती है है जहाँ जहाँ पर पर मृत्यु मृत्यु के के बाद बाद मनुष्य मनुष्य का का अंतिम अंतिम संस्कार संस्कार किया किया जाता जाता है। है। लेकिन लेकिन रात रात के के वक्त वक्त शमशान शमशान घाट घाट जाने जाने की की सख्त सख्त मनाही मनाही भी भी है, है, जिसका जिसका कारण कारण हमारे हमारे धर्म धर्म शास्त्रों शास्त्रों में में से से एक एक गरुड़ गरुड़ पुराण पुराण में में मिलता मिलता है। है। दोस्तों, दोस्तों, ऐसा ऐसा कहा कहा जाता जाता है है कि कि शमशान शमशान घाट घाट पर पर तांत्रिक तांत्रिक और और अघोरियों अघोरियों का का जमावड़ा जमावड़ा होता होता है, है, और और जिस जिस वक्त वक्त हम हम सब सब गहरी गहरी नींद नींद में में सोए सोए होते होते हैं, हैं, उस उस वक्त वक्त शमशान शमशान घाट घाट पर पर कई कई प्रकार प्रकार के के खतरनाक खतरनाक एवं एवं भयानक भयानक तंत्र तंत्र साधना साधना करते करते हैं। हैं। वहां वहां पर पर ये ये लोग लोग मुख्यतः मुख्यतः तीन तीन प्रकार प्रकार की की साधना साधना करते करते हैं, हैं, जैसे जैसे शमशान शमशान साधना, साधना, शिव शिव साधना साधना एवं एवं शव शव साधना। साधना। ये ये सभी सभी साधनाएं साधनाएं काफी काफी भयानक भयानक होती होती हैं, हैं, इसलिए इसलिए आम आम लोग लोग को को इस इस स्थान स्थान पर पर जाने जाने से से मना मना किया किया जाता जाता है। है। बताया बताया गया गया है है कि कि शमशान शमशान घाट घाट पर पर कई कई बुरी बुरी आत्मा आत्मा और और प्रेतों प्रेतों का का वास वास भी भी होता होता है, है, इसलिए इसलिए आम आम लोगों लोगों को को इस इस जगह जगह से से दूर दूर ही ही रहना रहना चाहिए, चाहिए, वरना वरना आपको आपको किसी किसी बड़े बड़े संकट संकट का का सामना सामना करना करना पड़ पड़ सकता सकता है। है। दोस्तों, दोस्तों, शमशान शमशान घाट घाट से से जुड़ा जुड़ा एक एक अहम अहम धार्मिक धार्मिक पहलू पहलू ये ये भी भी है है कि कि हमारे हमारे धर्म धर्म शास्त्रों शास्त्रों में में भगवान भगवान शिव शिव और और महाकाली महाकाली को को शमशान शमशान घाट घाट का का देवता देवता माना माना गया गया है। है। दोस्तों, दोस्तों, इस इस जगह जगह पर पर महादेव महादेव भस्म भस्म लगाए लगाए हुए हुए ध्यान ध्यान में में लीन लीन रहते रहते हैं, हैं, वहीं वहीं इस इस स्थान स्थान पर पर महाकाली महाकाली अतृप्त अतृप्त और और बुरी बुरी आत्माओं आत्माओं पर पर नजर नजर रखती रखती हैं। हैं। मान्यताओं मान्यताओं के के अनुसार अनुसार भगवान भगवान शिव शिव मृतक मृतक को को अपने अपने अंदर अंदर समाहित समाहित कर कर लेते लेते हैं, हैं, और और अगर अगर इस इस प्रक्रिया प्रक्रिया में में कोई कोई भी भी बाधा बाधा पहुंचाने पहुंचाने की की कोशिश कोशिश करता करता है, है, तो तो उसे उसे माँ माँ काली काली के के प्रकोप प्रकोप का का सामना सामना करना करना पड़ता पड़ता है। है। यही यही कारण कारण है है कि कि रात रात में में शमशान शमशान घाट घाट के के पास पास से से गुजरने गुजरने की की मनाही मनाही होती होती है। है। इतना इतना ही ही नहीं नहीं दोस्तों, दोस्तों, जिनकी जिनकी कुंडली कुंडली में में ग्रहण ग्रहण योग्य योग्य हो हो या या फिर फिर जिनकी जिनकी इच्छा इच्छा शक्ति शक्ति कमजोर कमजोर हो, हो, उनको उनको ये ये बुरी बुरी आत्माएं आत्माएं बहुत बहुत आसानी आसानी से से परेशान परेशान कर कर सकती सकती हैं, हैं, इसलिए इसलिए रात रात में में शमशान शमशान घाट घाट जाने जाने से से मना मना किया किया जाता जाता है। है। दोस्तों, दोस्तों, कुछ कुछ लोग लोग इस इस बात बात को को पूरी पूरी तरह तरह से से अंधविश्वास अंधविश्वास मानते मानते हैं, हैं, लेकिन लेकिन दोस्तों, दोस्तों, आपको आपको जानकर जानकर हैरानी हैरानी होगी होगी कि कि धार्मिक धार्मिक कारणों कारणों के के अलावा अलावा इससे इससे जुड़े जुड़े मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तथ्य तथ्य भी भी हैं हैं जो जो ये ये कहते कहते हैं हैं कि कि रात रात के के समय समय नकारात्मक नकारात्मक शक्तियां शक्तियां ज्यादा ज्यादा सक्रिय सक्रिय और और शक्तिशाली शक्तिशाली हो हो जाती जाती हैं, हैं, और और जो जो इंसान इंसान मानसिक मानसिक रूप रूप से से कमजोर कमजोर होता होता है, है, उन उन पर पर शक्तियों शक्तियों का का प्रभाव प्रभाव जल्दी जल्दी पड़ता पड़ता है। है। दोस्तों, दोस्तों, जो जो व्यक्ति व्यक्ति अकेले अकेले रहते रहते हैं हैं या या फिर फिर जिन्हें जिन्हें ज्यादा ज्यादा सोचने सोचने की की आदत आदत होती होती है, है, ऐसे ऐसे व्यक्ति व्यक्ति यदि यदि रात रात के के समय समय शमशान शमशान घाट घाट के के पास पास से से निकले, निकले, तो तो ये ये शक्तियां शक्तियां उन उन पर पर भी भी आक्रमण आक्रमण कर कर सकती सकती हैं। हैं। दोस्तों, दोस्तों, जब जब कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति इन इन नकारात्मक नकारात्मक शक्तियों शक्तियों के के प्रभाव प्रभाव में में आता आता है, है, तो तो उसका उसका खुद खुद पर पर काबू काबू नहीं नहीं रहता रहता और और वह वह उनके उनके वश वश में में हो हो जाता जाता है, है, उसका उसका जीवन जीवन सामान्य सामान्य नहीं नहीं रहता। रहता। और और दोस्तों, दोस्तों, यही यही नहीं, नहीं, कभी कभी भी भी इत्र इत्र या या खुशबू खुशबू वाली वाली चीजों चीजों का का इस्तेमाल इस्तेमाल करके करके शमशान शमशान के के पास पास से से नहीं नहीं निकलना निकलना चाहिए। चाहिए। ये ये खुशबू खुशबू इन इन शक्तियों शक्तियों को को आकर्षित आकर्षित करती करती है है और और लगाने लगाने वाले वाले व्यक्ति व्यक्ति पर पर अपना अपना प्रभाव प्रभाव स्थापित स्थापित कर कर देती देती है। है। दोस्तों, दोस्तों, इन इन बातों बातों से से तो तो इनकार इनकार नहीं नहीं किया किया जा जा सकता, सकता,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।